तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग है और आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग में जो मटेरियल यूज होते हैं उन सबको क्या क्या कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। पिन से लेकर बोर्ड तक सभी चीज को बताऊंगा इस वीडियो में, यानी कि इसमें जो फ्रेमिंग है, इसके जो सेक्शन है, इसके जो मेंबर्स हैं, जिप्सम बोर्ड है, एक्सेसरीज है, तो क्या क्या कॉम्पोनेंट इसमें यूज होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैं आज आपको पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूं। और कैसे इन सब एक्सेसरीज को यूज करके जिप्सम बोर्ड के फॉल सीलिंग को करते हैं साइट पे, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू आज आपका पूरा क्लियर होने वाला है, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। आपको पिन से लेके बोर्ड तक के सभी चीज के स्पेसिफिकेशन, सभी चीज आपको नॉलेज हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, चलिए सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि बिटुमिन को वाटरप्रूफिंग मटेरियल उसके किस प्रॉपर्टी के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन था आपका इजिली अवेबिलिटी, लो कॉस्ट, वाटर रेपेलेंट, इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वाटर रेपेलेंट। इसके वाटर रेपेलेंट वाले प्रॉपर्टी के लिए इसको एज अ वाटरप्रूफिंग मटेरियल हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे या टेरेस के लिए कहीं भी। जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में जाकर देना है, और ये सवाल इसी वीडियो में बताए टॉपिक से ही होगा, इसलिए बिना पलक झपकाए पूरा एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी हमें लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में यूज होने वाले मटेरियल्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बोर्ड के बारे में। ये आपके जिप्सम के बोर्ड्स हैं जिसकी थिकनेस 12.5 mm की होती है। ये मार्केट में अलग अलग साइज में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि 6 फीट बाई 4 फीट, 8 फीट बाई 4 फीट, 10 फीट बाई 4 फीट, लेकिन जो जनरल ज्यादा यूज होता है वो होता है 6 फीट बाई 4 फीट का। जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में हमें फ्रेमिंग करनी होती है जिसमें ये 4 सेक्शंस का जनरली यूज किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर सेक्शन, और इसका साइज होता है 20 mm बाई 28 mm, और इसकी थिकनेस होती है 0.5 mm की। इसका नाम पेरीमीटर इसलिए होता है क्योंकि इसे वॉल में चारों तरफ से लगाया जाता है, यानी कि रूम के पेरीमीटर जितना होगा उसका उतना ही लेंथ होगा, इसलिए इसका नाम पेरीमीटर सेक्शन कहा जाता है। इसे उस लेवल पे लगाया जाता है जिस लेवल पे हमारा फॉल सीलिंग का बॉटम होने वाला है। उसके बाद में जो अगला मेंबर आप देख रहे हैं यह है हमारा हैंगर एंगल। इसका साइज होता है 25 mm बाई 10 mm का, और इसकी भी थिकनेस होती है 0.5 mm की। यह हमारा मेन वर्टिकल सपोर्ट होता है जो पूरे फॉल सीलिंग को होल्ड करके रखता है। इस हैंगर एंगल को हम लोग यूज करते हैं एज अ वर्टिकल मेंबर जिस पर हमें अपना पूरा फ्रेम सपोर्ट करवाना होता है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट सेक्शन। आपका सीलिंग का मेन फ्रेम जब बन के तैयार होगा उसमें जो मेन मेंबर और सबसे हैवी वाला मेंबर होगा वो है आपका ये वाला सेक्शन, यानी कि इंटरमीडिएट सेक्शन। इसका साइज होता है 45 mm बाई 15 mm, और इसकी थिकनेस होती है 0.9 mm की। ये हमारे हैंगर एंगल के नीचे लगाया जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल मेंबर भी कहा जाता है। इसके हेवी होने के साथ साथ ज्यादा लोड को यही डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल मेन मेंबर भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है हमारा सीलिंग सेक्शन जिसमें हमारा जिप्सम फॉल सीलिंग लगता है ड्राई वॉल स्क्रू की मदद से। इसका साइज होता है 80 mm बाई 26 mm, और इसकी थिकनेस होती है 0.5 mm की। इसी सेक्शन के ऊपर हमें फिक्स करना होता है हमारा जिप्सम बोर्ड। अब इस चारों सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं यह है सॉफिट क्लीट, यानी कि ये जो क्लीट है ये हमारी आरसीसी की सीलिंग में जाकर फिक्स हो जाती है, और इसमें मौजूद वर्टिकल वाले होल के थ्रू हमारे वर्टिकल मेंबर यानी कि हैंगर एंगल को जॉइंट करके नीचे उतारना होता है। इस सॉफिट क्लीट को आरसीसी सीलिंग में कनेक्ट करने के लिए जो फास्टनर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रावल प्लग। रावल एक कंपनी का नाम है जो उसको इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे इस प्लग का नाम रखा गया है। इसके बाद में हम लोग वर्टिकल हैंगर एंगल को नीचे उतार देते हैं जो हमें हैंगर एंगल में इंटरमीडिएट सेक्शन को कनेक्ट करना होता है, और ये कनेक्शन हम लोग करते हैं मेटल टू मेटल स्क्रू से, जैसा कि आप यहाँ फोटो में यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन को सीलिंग सेक्शन के साथ कनेक्ट किया जाता है।
जाता है और इसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला कनेक्टिंग क्लिप। कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है सीलिंग सेक्शन और इंटरमीडिएट सेक्शन को, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। तो अब हमारा पूरा फ्रेम बन के रेडी हो गया है जिप्सम फॉल सीलिंग के लिए। अब हमारे सबसे नीचे जो सेक्शन है वो है हमारा सीलिंग सेक्शन। अब इस सीलिंग सेक्शन में हम लगाते हैं हमारा जिप्सम बोर्ड को और इसके लिए हम यूज करते हैं ड्राई वॉल स्क्रू। इसके बाद जब आपका एक बेस फ्रेम बन के रेडी हो जाता है उस दौरान आप देखेंगे कि जिप्सम बोर्ड को ज्वाइंट करते वक्त कहीं कहीं गैप रह गया है और हमें इस गैप को करना होता है अच्छी तरीके से फिल, जिसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कोई एक ज्वाइंट फिलिंग कंपाउंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप प्रो फिल ज्वाइंट कंपाउंड को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो जिप्सम फॉल सीलिंग है उसमें जितने भी गैप्स आते हैं उन सबको आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना पड़ेगा और मार्केट में इस फिलिंग कंपाउंड का बैग आपको 25 kg का मिल जाता है। और फिर लास्ट में हमें करनी होती है सारे जॉइंट्स पे टेपिंग ताकि कहीं भी किसी भी जॉइंट पे कोई भी क्रैक ना आए इन फ्यूचर, और इसके लिए हम यूज करते हैं फाइबर ग्लास टेप को। यहाँ पर हमारा फॉल सीलिंग का मेन वर्क खत्म हो जाता है। इसके बाद आप प्राइमर करवा कर पेंट करवा सकते हैं। तो इतने मटेरियल्स हमारे जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में यूज होते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको हर कंपोनेंट का नाम, साइज और फंक्शन समझ में आया भी होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिप्सम बोर्ड में यूज होने वाले मटेरियल का रेट क्या होता है और अगर हम 1000 square feet के फॉल सीलिंग करें तो हमारा कितना खर्च आएगा, पर स्क्वायर फीट रेट क्या होगा, उसका पूरा कैलकुलेशन हम खुद से कैसे करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं डिटेल में आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो चलिए अब आज का सवाल देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए कि जो जिप्सम बोर्ड होता है 6 feet by 4 feet का, उसका एक बोर्ड का एरिया कवरेज कितना होगा। ऑप्शन है आपका 24 square meter, 10 square meter, 2.33 square meter, 2.23 square meter। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो आप जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और अपना जवाब जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब जरूर बता दूंगा। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिलता रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर ले क्योंकि वहां पर मैं डेली सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड क्विज लेता रहता हूं जिससे आपको जरूर मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।